राज्यसभा में सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने पिछले दिनों शहर में एक ऑटो चालक की पुलिस द्वारा कथित तौर पर पिटाई किए जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दिल्ली अपराध की राजधानी बनती जा रही है। शून्यकाल में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपराध का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अपराधों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है और एक महीने में दिल्ली में करीब 220 गोलियां चली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते एक साल में बलात्कार के 240 मामलों से भी ऊपर दर्ज कराए गए हैं। इसी तरह से हत्या के भी मामले बढ़ गए हैं। साथ ही संजय सिंह ने कहा कि एक साल में राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज बलात्कार और अन्य अपराधों की घटनाओं की संख्या चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक ऑटो चालक और उसके बेटे की पुलिस ने सड़क पर कथित तौर पर पिटाई भी की थी। ये सब कहते हुए संजय सिंह बोले कि गृह मंत्री को राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाना चाहिए और चर्चा की जानी चाहिए कि अपराध पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।